परिया रे, तेरा जलवा देखा तो दिल हुआ मिलखा, बड़ी तेज भागे रे, मन मा इमोशन जागे रे, मन मा इमोशन जागे रे। इस हफ्ते आपके प्यार को पाने की इच्छाएं तीव्र होगी, अपने लाउड वंस का अट्रैक्शन आपकी रातों की नींद हराम कर सकता है। सोते जागते खाते पीते बस एक ही नाम आपके लव पे आएगा। वैसे तो हर एक आशिक का यही हाल होता है ना? बस आपको अपने रिलेशन पर ट्रस्ट रखना है, अपने प्यार पर भरोसा जताए, आप सही जा रहे हो बिड़ू। दिल की फंसी है नैया मझधार में, सुन ले विस्तार से। बस विस्तार से ही सुन लो, इस हफ्ते आपके प्यार की नैया मझधार में फंसती दिखाई दे रही है। उसको और कौन निकालेगा भाई, आपको ही निकालना पड़ेगा, आपको ही इस नैया को किनारे लगाना पड़ेगा ना। इसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए पहले आपको अपना ईगो साइड में रखना होगा, अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना होगा, उनके प्रति अपना डेडिकेशन दिखाना होगा। अगर आपके रिलेशन में डेडिकेशन की कमी आई तो मतलब नैया डूबी समझो। आपके पार्टनर से खुलकर डिस्कशन करें, वो आपको जरूर समझेगा। तो करोगे ना? करके वादा क्यों ना आई, हुआ दिल का जगराता हल्का फुल्का, साधो का खाके रे, मन मा इमोशन जागे रे, मन मा इमोशन जागे। हमारे बैचलर दोस्तों का जगराता तो अब शुरू होने वाला है, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट और सैडनेस इस सप्ताह आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। और ये भी पॉसिबल है कि आप अपने मन की फीलिंग अपने डियर वंस के सामने रखने में कॉन्फिडेंट ना हो पाए। ऐसी सिचुएशन में पेशेंस बनाए रखना बेहद जरूरी है। इमोशन पर थोड़ा कंट्रोल पाजी, कंट्रोल नहीं होता ना, लेकिन करना पड़ेगा, क्या करे भाई, इसी का नाम तो प्यार है यार।